असफलता एक चुनौती है स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हमारी जीत निश्चित है। कब निश्चित है? जब हम बिल्कुल लगातार परिश्रम करते रहेंगे तब हमारी जीत निश्चित है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं आज की क्लास में। मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। रियल लर्नर्स पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए पढ़ते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपकी मैथ की क्लास रहने वाली है और इस मैथ की क्लास में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कहेगा हम लोग आज डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, बहुत चीजें हम लोगों ने नंबर सिस्टम में डिस्कस कर ली। नंबर सिस्टम एक काफी बड़ा चैप्टर है, इसके कई सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं, उस टॉपिक को हम एक फार्मूले के नाम से जानते हैं, वो क्या है ध्यान से देखो। भाजक गुणा भागफल प्लस क्या है फार्मूले का नाम? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड बोला जाता है। भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड, भाजक को बोलते हैं डिवाइजर और भागफल को क्वेश्चन बोलते हैं क्यू यू टी आई। अपने हिसाब से स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग लगभग लगभग गलत होती है ठीक है, लेकिन चीजें आपको बेहतर दी जाएंगी, हिंदी पूर्णतया सत्य होगी ठीक। तो ये हमारे पास होता है फार्मूला, क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है और इसी क्वेश्चन के माध्यम से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यही ये जो आपका फार्मूला है ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे हम लोग छोटे में किया करते थे तो बोला जाता था इतने भाजक, यानी ऐसे हम लोग जब भाग वाली प्रक्रिया करते थे तो हमारा ये बनता था। इधर क्या आती थी? संख्या आती थी, इसको हम लोग क्या बोलते थे? भाज्य बोलते थे, भाज्य इसको हम बोलते थे। इधर क्या होता था? ये भाजक होता था। इधर क्या होता था? ये भागफल होता था और इधर लास्ट में क्या बचा करता था? शेषफल बचा करता था। बचता था कि नहीं? तो हम लोग क्या करते थे? भाजक गुणा भागफल इसका इसके साथ गुणा इसका इसके साथ प्लस, फिर उसके बाद जो आया वो क्या होगा? भाज्य होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि भाजक का भागफल के साथ गुणा करा दिया, जो गुणनफल आया उसको शेषफल के साथ ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद हमको क्या मिल जाता है? भाज्य मिल जाता है। भाज्य यानी यही संख्या हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजें करेंगे और आनंद आएगा, मजा आएगा ठीक है। हटा दो, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक भाग के प्रश्न में, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का 5 गुना
पांच गुना है, यदि शेषफल 46 है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करो, तो भाज्य ज्ञात करो। ऑप्शन ए 4236, ऑप्शन बी 4306, ऑप्शन सी 4336, ऑप्शन डी 5536। ये हमको क्वेश्चन दिया। सब लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन अच्छे से, सबको दिख रहा है क्वेश्चन। लिखा है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना। जैसे अगर हम इसको प्रॉपर करें, बिल्कुल जैसे है वैसे, एक भाग के प्रश्न में भाजक जो है, लिख दिया भाजक, भाजक जो है भागफल का, भागफल का 10 गुना है, लिख दिया। फिर कहता है और शेषफल का 5 गुना है, कौन भाजक ही शेषफल का, या हम इसको अलग की लाइन से कि हमारा जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 हो, यदि शेष कितना हो 46 हो, अगर शेष 46 हो जाएगा तो भाजक कितना हो जाएगा 46 गुणा 5, यानी 5 का 30 की 0 3, 5 को 20 3 23, इतना हो जाए 230, ठीक है। अब हमारे पास, और यहाँ पे अगर हम लिख देंगे भाजक, भाजक कितना था 230 था, भागफल हमको पता नहीं, गुणा 10, 0 से 0 कैंसिल, तो भागफल कितना है, बोले भागफल आ गया 23। अब हमको निकालना क्या है, भाज्य निकालना है, फार्मूले पे रख देंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो हमने इसको किया तो भाजक कितना हो गया भैया, भाजक हमारा 230 गुणा भागफल कितना आया 23 आया, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, शेष हमारा कितना है 46। ये हमारा हो गया 230 गुणा 23, ठीक है। और जब पूरा साल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5336, ठीक है, गुणा कर देंगे 230 में 23 का और प्लस 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5336 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्लियर ना, हटा देते हैं। अगर हम इसको ऐसे ना करते तो कैसे करते, देखो वही हम फॉर्मेट बनाते जो हम छोटे में बनाया करते थे, क्या ये है भाजक, ये क्या है बोले भाग, ये क्या है यहां जो जो कहे वो लेते थे। कहता है भाग के प्रश्न में भाजक भाग फल का 10 गुना, भाग फल का कितने गुना 10 गुना, ठीक है, और शेष फल का 5 गुना है, कौन भाजक शेष फल का 5 गुना है, ये हमने कर दिया। फिर कहता है तो और शेष फल कितना है 46, अगर शेष फल 46 है तो 46 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 230, अगर भाग फल का 10 गुना 230 है तो 230 बटा 10 क्या हो जाएगा भागफल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया 23 आ गया, भागफल 23 आ गया, शेष फल 46, भाजक 230, भाज्य नहीं निकाल लेंगे 23, भाजक गुणा भागफल 230 गुणा 23 प्लस शेष फल 46 कितना आ जाएगा 5536 आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये अच्छा तरीका है ज्यादा उसकी तुलना में।
उसकी तुलना में ये तरीका ज़्यादा अच्छा हमको लगता है। आपको अगर वो तरीका अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, उसी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक भाग के प्रश्न भाजक भागफल का सात गुना, भाजक भागफल का सात गुना, सात गुना और शेषफल का तीन गुना, और शेषफल का तीन है। यदि शेषफल, यदि शेषफल 28 है तो भाज ज्ञात करें। ऑप्शन ए दिया गया 588, ऑप्शन बी दे दिया गया 784, ऑप्शन सी दिया गया 823, ऑप्शन डी दिया गया 1036। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, जल्दी से आप इसको करने का प्रयास करेंगे। इसको आप जल्दी से प्रयास करेंगे कि भैया कर ले, ठीक है। अब देखो इसको हम लोगों को करना है तो कैसे करेंगे, देखना। हम वही फॉर्मेट बना लेते हैं कि ये भैया भाज, इधर भाजक, इधर भागफल और नीचे क्या रहता है बोले शेष, ठीक है। अब कहता है एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का सात गुना, भाजक जो है भागफल का सात गुना है, हमने कहा अच्छी बात है। शेष फल का तीन गुना है, कौन भाजक, शेष फल का तीन गुना है। और फिर कहता है शेष फल 28, तो जब शेष फल 28 है, 28 का तीन गुना भाजक है तो कितना हो जाएगा, 28 तिरका 3, 8 24 और 3 दूनी 6 7, 28 तिरका 84, यानी भाजक हमारा कितना आ गया 84 आ गया शेष फल 28। अगर भागफल का 7 गुना 84 है तो 84 बटा 7 क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 7 84, भागफल कितना 12 आ जाएगा। तो हमारा यहां से भागफल कितना आ गया बोले 12 आ गया, शेषफल कितना आ गया बोले शेषफल 28 दिया गया था, भाजक कितना हो गया 84 हो गया। भाज नहीं निकाल पाएंगे, इसका इसके साथ गुणा, भाज निकालने के लिए भाजक गुणा भागफल, तो 84 गुणा 12 कर देंगे प्लस शेषफल 28 हो जाएगा। तो करेंगे तो 12 चौको 48 की 8 4, 12 8 96 4 100 हो जाएगा प्लस 28, तो कितना हो जाएगा 10। ये आपका 1036 1036 इज द राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि चीजें आपको बेहतर समझ आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ पा रही। आगे बढ़ो, अब हम आगे, तो ये भैया इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे इस फॉर्म में, ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, आप लोग कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अब आगे हम बात करते हैं, अब अगला तरीका को सीखते हैं। एक तरीका ध्यान दें, ये अगला क्वेश्चन कहता है
कि यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या 361 से भाग दें तो शेष 4 शेष 47 बचता है, शेष 47 बचता है। यदि उस संख्या को, यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष पद, तो शेष पद बदल। ऑप्शन ए दिया गया 6, बी 4, सी नहीं, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। अब यहां हम एक दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान देना, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा दोनों क्वेश्चन के आधार पे चलेगा, इस वजह से दोनों क्वेश्चन लिखना ज्यादा उचित रहेगा एक साथ। कहता है यदि यन को, यदि यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को 105 से भाग दें तो 12 शेष बचता है, 12 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को, यदि उसी संख्या को 10 से भाग तो क्या शेष बचे, तो क्या शेष बचे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी सी एन डी कैन नॉट बी ऑप्शन डी सी एन डी कैन नॉट बी। ये आपके पास दो क्वेश्चन दिए गए, इनको बड़ी ईमानदारी के साथ हम लोगों को करना है। ठीक है, ये देखो, कहता है पहले, कहता है यदि किसी संख्या को, कोई भी संख्या रही होगी, हमको संख्या नहीं पता है, यदि किसी संख्या को 361 से भाग कराते हैं तो 47 बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग कराएं तो शेषफल क्या मिलेगा। इसमें कहता है यदि किसी संख्या को 105 से भाग कराते हैं तो हमारा शेषफल 12 मिलता है, उसी संख्या को 10 से भाग कराएं तो शेषफल क्या मिलेगा, ये हमसे जानना चाहता है। तो भैया इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, बोले क्या, हमेशा एक बात ये ध्यान रखनी है कि अगर ये छोटा वाला विभाजन इस बड़े वाले विभाजक को पूर्णतया विभाजित कर पाता है, यदि छोटा वाला विभाजक बड़े वाले विभाजक को पूर्णतया विभाजित कर पाता है तो हम बड़े वाले विभाजक का शेषफल उठा करके छोटे वाले भाजक से भाग करा देंगे, जो शेषफल आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर लिखा है 361, होता है कि नहीं, 19 नहीं है 171, 1 19 एक कम 19, 19 17 7 9 16 1 1 2 361, 19 का स्क्वायर है 1, 19 का स्क्वायर 361, यानी 361 19 से पूर्णतया विभाजित, तो हमने बड़े वाले विभाजक का शेषफल लिया 47 और 47 में 19 से भाग करा देंगे, 19 दूनी 38, ठीक है, 38 कितना बचा, 9 बचा, 9 आंसर।
ठीक है। बोले सर ये बात तो ठीक है कि भैया छोटा वाला विभाजक बड़े वाले विभाजक को अगर पूर्णतया विभाजित कर दे तो हम बड़े वाले विभाजक के शेष फल को उठा करके छोटे वाले विभाजक से भाग करा देंगे। अगर भाग चला जाएगा मतलब भाग जाने पर जितना शेष फल देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने कहा बिल्कुल। बोले ठीक है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन के हमने दूसरा क्वेश्चन लिया कि अगर छोटा वाला विभाजक बड़े वाले विभाजक को पूर्णतया विभाजित नहीं कर पा रहा है तो इसका आंसर सी एंड डी होगा, कैन नॉट डिफाइन होगा। इसको हम कैन नॉट डिफाइन केस कहते हैं, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट? बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी धोखे से अगर आप के पेपर में आ गया तो आपको मुंह बाना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको पहले बता देता हूं, सभी टीचर ज्यादा से ज्यादा बस यही कॉन्सेप्ट बताते हैं क्योंकि ज्यादातर इसी के क्वेश्चन आते हैं। और धोखे से ये वाला आ गया तो डब्बा ऐसा मुंह ना बाना पड़े, आप तुरंत इसमें 12 में से भाग करा देते, 2 शेष फल देते और तुरंत 2 आंसर देते तो गलत कर देते, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से देखना, हर पॉइंट बहुत ध्यान से समझना, कुछ चीजें आपको नई जरूर मिलेगी। तो हमने क्या देखा कि भैया जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, छोटा वाला विभाजक अगर बड़े वाले विभाजक को पूर्णतया विभाजित कर देगा तो बड़े वाले विभाजक का जो शेष फल होगा उसी शेष फल में छोटे वाले विभाजक से भाग करा देंगे, जो शेष फल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर छोटा वाला विभाजक बड़े वाले विभाजक को विभाजित नहीं कर पाएगा तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये कौन सा केस, सी एंड डी केस, यानी कैन नॉट डिफाइन। यानी क्या? कैन नॉट डिफाइन। ये आपको बात ध्यान रखना, क्लियर भाई? इतनी बात आपको जरूर क्लियर हो गई। ठीक है भाई, आ जाओ। जैसे आपसे कह दिया, एक क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, यदि किसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए, 11 से भाग दें और शेष 6 बचता, तो यदि संख्या के वर्ग 11 से भाग दे तो शेष 1-3, B-4, C-5, ये आपके सामने क्वेश्चन कहता है यदि किसी संख्या को 11 से भाग दें और शेष 6 बचता हो, तो यदि संख्या के वर्ग को 11 से भाग दें तो शेषफल क्या मिलेगा, ये आपसे पूछना है। जब भैया इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जब आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि कोई संख्या है उसमें से किसी से भाग कराया जा रहा है और शेष फल बच रहा है, उसी संख्या के स्क्वायर्स में हमको
इसी संख्या से भाग कराना है तो शेषफल क्या मिलेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो उसी संख्या से भाग करा रहा हो कोई टेंशन नहीं है, जो शेषफल इसका आया है शेषफल का स्क्वायर करा दो, यानी 36 गेर तिहाई 33 और 33 का क्या आ जाएगा 3, 3 हमारा क्या किया हमने कहा कि भैया जब उसी संख्या का भाग संख्या में करा रहे थे, ठीक है, अब उसी संख्या के स्क्वायर में गेरा से भाग करा रहे हैं, पहले गेरा का भाग संख्या में करा रहे थे, बोले बिल्कुल, तो 6 आ रहा था शेषफल। अब हम लोग क्या करा रहे हैं, अब संख्या के स्क्वायर में हम लोग 6 का उसका गेरा का भाग करा रहे हैं, तो क्या होगा जब समान संख्या से भाग कराया जाए तो अगर वर्ग बोलेगा तो हम शेषफल का वर्ग कर देंगे, अगर तिगुना बोलता तो शेषफल का तिगुना कर देते, अगर आठ गुना बोलता तो शेषफल का आठ गुना कर देते और भाग करा देते, हमारा जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग ध्यान आगे बढ़ते हैं भाई, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि किसी संख्या को, यदि हम संख्या मान लेते हैं यह, यदि यन को 15 से भाग कराएं, 15 से भाग कराएं, 15 से भाग कराएं तो शेषफल 7 बचता है, कराएं तो शेष 7 बचता है, 7 बचता है, तो यदि 2n को 15 से भाग कराएं, भाग कराएं तो शेष 7, 14, 12, 1, 7, 14, 12 ये आपके पास दिए गए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया, कहता है यदि यन को 15 से भाग कराया जाए, वही क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 15 से भाग कराया जाए तो शेषफल 7 बचता है, और यदि संख्या के दो गुने को 15 से भाग कराएं तो शेषफल क्या मिलेगा। इसको उसने स्टाइल से लिख दिया कि यदि यन को 15 से भाग कराएं तो शेषफल 7 बचता है, तो यदि 2n को 15 से भाग कराएं तो शेषफल कितना मिलेगा, ये आपको बात देखनी है। उसमें हमने क्या किया था कि जब उसने स्क्वायर बोला तो हमने क्या किया था, शेषफल का स्क्वायर कर दिया था, तो इसमें जब 15 से भाग यहां भी, 15 से भाग यहां भी, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 से भाग कराया गया किसमें, संख्या यन में कराया गया, तो शेषफल हमारा 7 आया, 15 से भाग 2n में कराया जाए तो शेषफल क्या आएगा, तो हम 15 से करा रहे ना, तो शेषफल का जितने गुना बोलता है कर देंगे, 7 × 14, 14 में 15 से भाग कराएंगे तो शेषफल कितना जाएगा, नहीं तो शेषफल कितना 14 रहेगा, 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और बताइएगा कि सर बहुत अच्छे से बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करें, और एक भी नंबर अगर धोखे से भी चूक जाते हैं तो बहुत गंदी बात होगी, एक भी नंबर हमको चूकना नहीं है,
पूरे में पूरे हमको नंबर प्राप्त करना है, चाहे मैं यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हूँ, चाहे हम सी टेट का एग्जाम दे रहे हूँ, चाहे हम सुपर टेट का एग्जाम दे रहे हूँ, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हूँ, एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक नंबर पे बहुत ध्यान से विचार करना है। जितने कॉन्सेप्ट बताए जाए इनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, नज़रअंदाज करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी किया करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।